हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर इंडिया। आइए आज बात करते हैं दवासाजी के एक मसले के बारे में, मस्तकी पीसना। मस्तकी पीसना अपने आप में एक मसला है। मस्तकी पीसने के लिए आपको एक तजर्बे की जरूरत होती है, एक महारत की जरूरत होती है। वैसे तो सफूफ बनाना, पाउडर बनाना या चूर्ण बनाना, यानी कि किसी दवा को पीसना सबसे आसान कामों में से एक है, लेकिन जब मस्तकी पीसना हो तो ये एक कठिन कार्य हो जाता है। चूंकि मस्तकी को अगर आप पीसते हैं तो इसको बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे हाथों से खरल में डालकर चलाना होता है, तब ये पीसती है और इसमें बहुत टाइम लगता है। और अगर मस्तकी ताज़ा है, उसमें नमी ज़्यादा है, तो फिर पीसना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मस्तकी को तेज़ हाथों से पीस लिया जाए तो ये हरारत से पिघल जाती है और पिघल करके खरल से चिपक जाती है और आप पीस नहीं सकते इसको। यहाँ तक कि अगर गर्म टेम्परेचर है तो खरल गर्म है या टेम्परेचर सराउंडिंग्स का गर्म है, गर्म माहौल है, तो भी आप मस्तकी को नहीं पीस सकते, जरा सी हरारत से ये पिघल जाती है। इसलिए मस्तकी को पीसना एक बहुत मुश्किल काम है। मस्तकी जो पीसने वाली होती है उसको थोड़ी सी पुरानी वाली मस्तकी इस्तेमाल की जाए, बिल्कुल ताज़ा वाली को आप माजूनों में मिलाने के लिए काम में लें और थोड़ा सा एक स्टॉक अलग रखें और उसमें भी छान करके जो छोटे छोटे पीस होते हैं ना उनको अलग कर लें। इस तरह से जब छान पीस करके इस्तेमाल करनी होती है मस्तकी, तो इन छोटे टुकड़ों को पीस कर इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें नमी कम होती है, ये खुश्क हो चुकी होती है। चूँकि वैसे तो जब माजूनों में हमें मस्तकी मिलानी होती है तो देसी घी में पिघला करके और मिला देते हैं, वो एक आसान सा काम है। लेकिन कई बार ऐसा होता है किसी सफूफ में डालनी है जिसकी फंकी लगाने के लिए देना है, या कैप्सूल में भरना है, या आप गोली बनानी है, जैसे कि कैप्सूल में हम दबीदुलवर्द कैप्सूल बनाते हैं या दवलमिस के कैप्सूल बनाते हैं, उसमें मस्तकी को पीस कर शामिल करना होता है। हम तो सेब को भी पीस कर शामिल करते हैं कैप्सूल में। बहरहाल, तो ऐसे वक्त में मस्तकी को पीसना ज़रूरी होता है। तो एक तरीका तो सिंपल जो आमतौर से चलता है, जो हमेशा से चलता है, जो हर कोई करता है, वो यही है कि मस्तकी को खरल में लेकर के धीरे धीरे हाथों से पीसा जाता है। और अगर ये तजर्बा नहीं हो कि इसको धीरे पीसते हैं, तेज़ चला देते हैं, जैसे कि हर किसी चीज़ को तेज़ चला कर पीसा जाता है, तो ये फिर नहीं पिस पाती है। लेकिन इसको आसान करने के लिए एक तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाए, मस्तकी जितनी आपको पीसनी है उससे थोड़ी सी ज़्यादा ले खरल में डाल करके, और खरल का दस्ता भी उसी में डाल दें और फ्रीज़र में रख दें तकरीबन एक घंटे के लिए। ज़्यादा देर भी रख सकते हैं आप, अगर आप टाइम है आपके पास तो। उससे ये होगा कि वो खरल भी ठंडी हो जाती है और मस्तकी भी ठंडी हो जाती है, बिल्कुल ठंडी होकर के खुश्क हो जाती है। और उसको बाद में बाहर निकाल करके, और आप चाहे तेज़ तेज़ पीस सकते हैं, जल्दी जल्दी पीस करके और उसको छान करके और इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये पाउडर बहुत आसानी से हो जाती है, एक तरीका ये होता है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली, किस तरह से मस्तकी को हम फ्रीज़र में रखते हैं और फिर किस तरह से पीस के निकाल लेते हैं, तो ये तरीका समझते हैं। आइए पहले व्यूअर्स, अब देखते हैं मस्तकी पीसने का एक ख़ास तरीका। इसमें हम मस्तकी को लेकर के फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद इसको पीसेंगे। तो आइए पहले इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं। हमने इसको अब फ्रीज़र में रख दिया है। एक घंटे के लिए बंद। अब मस्तकी को हमने फ्रीज़र से बाहर निकाल लिया है और आइए अब हम इसको पीसना शुरू करते हैं। देखिए, सही है, बिल्कुल खुश्क हो गई है और अब इसको हम आराम से पीस सकते हैं। आवाज़ से आप कुछ महसूस कर सकते हैं। बस आप देख सकते हैं किस तरह से आसानी के साथ ये पिस गया। तो व्यूअर्स, अभी आपने देखा मस्तकी को फ्रीज़र में रखने के बाद बाहर निकाल करके पीस लिया जाता है और वो बहुत आराम से पीस जाती है। और फिर उसको आप, लेकिन बस हमेशा ये ध्यान रखें, कभी भी जब मस्तकी को आप पीस लेते हैं, चाहे किसी भी तरह से पीसी हो आपने, उसको बस जल्दी ही पाउडर में, जिस फॉर्म में भी, जहाँ भी आपको इस्तेमाल करना होता है, इस्तेमाल कर लें। अगर उसको आपने थोड़ी देर के लिए रख दिया, कुछ टाइम के लिए रख दिया, तो वो फिर से
डला बन जाती है, चिपक जाती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और इसके अलावा एक और भी इससे भी अच्छा तरीका है जो बहुत जल्दी का तरीका है, लेकिन बस यही है कि उसमें बहुत आपको तजर्बा और एक एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है, मिक्सर में डाल करके पीसने के लिए। आमतौर से मिक्सर में डालने का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ बिल्कुल बारीक हो जाती है और मिक्सर के अंदर एक हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, और मैं जो मस्तकी है उसके लिए तो ज़रा सी हीट भी नागवार है। लेकिन देखिए हम किस तरह से पीसते हैं मस्तकी को मिक्सर में, आइए देखते हैं। व्यूअर्स, ये मस्तकी है, मस्तकी को हम पीसने जा रहे हैं। तो देखिए, पीसने से पहले जो एक बात खास ख्याल रखनी ये है कि इसका छोटे छोटे पीस लेने होते हैं। जब हमें पीसना होता है तो हमें जितने ज़्यादा छोटे पीसेस हों अच्छी बात है, क्योंकि जितना छोटा पीस होगा उसमें उतना ही मॉइस्चर, नमी कम होगी, सूख चुका होगा तो पीसने में आसानी रहेगी, एक बात ये ध्यान रखें। तो अभी हम फिलहाल जो नॉर्मल टेम्परेचर में मस्तकी रहती है उसको हम पीस रहे हैं। व्यूअर्स देखिए, अब हमने मस्तकी को इसमें डाल दिया है और अब हम इसे पीसने जा रहे हैं। तो देखिए मिक्सर में हम इसको कितनी देर चलाना है और उसके बाद हमें ये चलनी में छानना है, बहुत धीरे धीरे आराम से। देखिए नीचे आप देख सकते हैं मस्तकी पिस गई है और नीचे आ रही है। इनफेक्ट मस्तकी को हमने इसकी गर्मी का एहसास नहीं होने दिया। अब आप देखिए हम दोबारा एक बार फिर से चलाएंगे इसको इतना होने के बाद। इतनी देर 3-4 सेकंड्स के लिए हम चलाते हैं इसको, इससे ज़्यादा चलाएंगे तो ये पिघल जाएगी। आप देखिए कितनी बारीक हो गई है ये। कितनी आसानी से मस्तकी पिस रही है। तो इस तरह से आप जितनी मस्तकी चाहें पीस सकते हैं। बस आपको देखिए कितनी मस्तकी हासिल हुई है हमें। हमने ऑलमोस्ट 100 ग्राम ली थी और ये 50 ग्राम के आसपास आ चुकी है। तो व्यूवर्स, ये देखा आपने, मस्तकी को हमने मिक्सर से पीस लिया। हालांकि मिक्सर का मतलब होता है एक हरारत, तहरीक, गर्मी, और लेकिन बस इसमें कमाल यही है कि इसको कहते हैं आंखों से काजल चुराना। यानी कि जो मस्तकी है उसको अगर हरारत महसूस हो जाए तो वो पिघल जाती है, जो भी पास आसपास सरफेस है उससे चिपक जाती है। लेकिन हमने यहाँ मस्तकी को हरारत महसूस ही नहीं होने दी, ये महसूस होती उससे पहले ही हमने उसको बाहर निकाल लिया, ठंडे माहौल में ले लिया उसको, और इसी तरह से छान करके फिर जो मोटी बचती है दोबारा डालते हैं, वही 3-4 सेकंड के लिए चलाते हैं। बस 3-4 सेकंड चलाने से उसको फिर जो निकलती है उसको छान लेते हैं। इस तरह से आप इतना इतना करके जितनी चाहे मस्तकी पीस सकते हैं आप आराम से। तो ये एक तरीका है और एक बेहतरीन तरीका है, कामयाब तरीका है, जिससे कि आप मस्तकी को पीस सकते हैं और आपकी जो एक ये मसला है हल हो जाता है और ज़िंदगी दवा बनाने के बारे में बहुत आसान हो जाती है। तो डियर यूनानी फिजिशियंस, असल में ये एक बहुत पुराना सवाल था, बहुत बार पूछा गया, बार बार पूछे जाने वाला सवाल था कि मस्तकी को कैसे पीसते हैं। आमतौर से मस्तकी में हर किसी को शुरुआती दौर में बहुत परेशानी होती है, लेकिन जब आप काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, तो आपके रास्ते नज़र आने लगते हैं, रास्ते निकल आते हैं, आप उसमें से कोई ना कोई तरीका खोज लेते हैं। तो उन तरीक़ों में से ये दो तरीके, एक फ्रीज़र में रखने वाला और एक मिक्सर में चलाने वाला। मिक्सर में चलाने वाला आप देखिए एक बेहतरीन तरीका है मस्तकी को पीसने का। अल्लाह हाफिज़।